गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज चैप्टर 5 प्लांट एंड एनिमल इन वाटर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्क्राइब्ड इट हैबिटेट। हैबिटेट मीन्स ए प्लेस वेयर ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल एंड प्लांट इज यूजुअली फाउंड, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर एक ही तरह के प्लांट और एनिमल मिलते हैं। वो कैसे? जैसे बेटा डेजर्ट में डेजर्ट वाले एनिमल और प्लांट मिलेंगे, दूसरे नहीं मिलेंगे। माउंटेन एरियाज़ में जाओगे आप तो वहाँ पर उसी टाइप के प्लांट और एनिमल मिलेंगे। इसी के अकॉर्डिंग हमने इनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स यानी जिसमें एनिमल और प्लांट दोनों को ही हम इसमें लेते हैं बेटा। और एक्वाटिक एनिमल्स या एक्वाटिक प्लांट्स, आर्बोरियल ऑर्गेनिजम्स एंड एरियल ऑर्गेनिजम्स। टेरेस्ट्रियल यानी कि जो लैंड पर मिलते हैं, एक्वेटिक यानी जो पानी में मिलते हैं, आर्बोरियल जो कि ब्रांच या ट्रीज पर रहते हैं, और एरियल ऑर्गेनिजम्स यानी कि जो हवा में रहते हैं। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आज हम इस चैप्टर में ओनली एक्वाटिक एनिमल्स और प्लांट के बारे में ही बात करेंगे। तो यानी कि हमारी जो हैबिटेट हुई वो हुई एक्वाटिक यानी जलीय। ओके, एक्वाटिक इट मीन्स प्लांट डेट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वाटिक एनिमल्स। अब इनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट, फ्री फ्लोटिंग एक्वाटिक प्लांट्स यानी कि जो फ्रीली फ्लो करते हैं या तैरते हैं। इसका मतलब बेटा आपने इनको अधिकतर अपने आसपास जितने भी रिवर वगैरह में देखते हो ना बेटा, ऊपर एक प्लांट से तैरते रहते हैं, वो यही हैं। ये जल के अंदर तैरते रहते हैं, ये जमीन से जुड़ी हुई इनकी रूट नहीं होती है। इनका नाम है वोल्फिया, पिस्टिया, वाटर हाइसेंथी, हाइसेंथ। सेकंड है रूटेड एक्वाटिक प्लांट विथ फ्लोटिंग लीव्स। इट मीन्स इनकी जो रूट होती है बेटा वो नीचे सॉइल में फिक्स्ड होती है, बट इनकी जो लीव्स होती हैं ये बहुत बड़ी होती है, ये फ्लोट करती हैं, और इनकी लीफ के ऊपर एक ऑयली सरफेस होता है जो इनको वाटरप्रूफ बनाए रखता है। थर्ड है बेटा सबमर्स्ड एक्वाटिक प्लांट। इट मीन्स ऐसे प्लांट जो अंडर वाटर पाए जाते हैं, और ये अंडर वाटर ही कुछ फ्लोट भी होते हैं इसमें, और ये फिक्स भी रहते हैं। कुल मिला के ये कि ये अंडर वाटर होता है यानी पानी में बिल्कुल ढके हुए होते हैं, जैसे कि और फिश वगैरह होती है ना बेटा, उसी तरह से। इनका नाम है हाइड्रिला एंड वेलेसिनेरिया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो करेंगे आज हम एक्वाटिक प्लांट, क्योंकि हमारी जो हैबिटेट है वो क्या है, एक्वाटिक। तो हमने एक्वाटिक प्लांट के बारे में बात करी, अब हम एक्वाटिक एनिमल्स के बारे में बात करते हैं। तो एनिमल डेट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वाटिक एनिमल। वो जो पानी में रहते हैं उन्हें हम एक्वाटिक एनिमल कहते हैं। तो सबसे अच्छी बात, सबसे नोन टू हमारे लिए एक्वाटिक एनिमल है फिश। फिश जिसकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, स्ट्रीम यानी बोट शेप्ड बॉडी, जैसे कि आप देख रहे हो ना, इसी तरह से हम बोट बनाते हैं। और इनके जो ये फिन होते हैं बेटा, ये इनको तैरने में हेल्प करते हैं। और जो इनके गिल होते हैं, इनके गिल यहाँ पर होते हैं बेटा, जो इनको ऑक्सीजन को लेने में हेल्प करते हैं। साथ ही जो टेल होती है ये इनके डायरेक्शन को चेंज करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट आता है वेल एंड डॉल्फिन। वेल एंड डॉल्फिन बेटा एक मैमल होते हैं। मैमल एनिमल्स किन्हें कहते हैं? एनिमल डेट गिव बर्थ टू दियर बेबीज, यानी ऐसे एनिमल्स जो अपने बेबीज को बर्थ देते हैं, जन्म देते हैं, एंड फीड देम विद दियर मिल्क, और अपने दूध से उन्हें वो फीडिंग कराते हैं, उनको ही हम मैमल्स कहते हैं। यानी कि ये अंडे नहीं देते बेटा, ये बर्थ अपने बेबी का जन्म कर, मतलब इनके बेबीज बर्थ करते हैं, मतलब जन्म देते हैं। देव है स्ट्रीमलाइन बॉडी, इनकी भी बेटा उसी तरह से एक स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है टर्टल एंड क्रैब। टर्टल क्या होता है, ये देखिए ये टर्टल है, और इसके ये फ्लिपर्स लाइक बॉडी स्ट्रक्चर होता है जो इनको पैडल
के रूप में ये यूज़ करते हैं। किसके लिए? स्विम में ये इनको हेल्प करता है। पैडल क्या होता है बेटा? हम नाव चलाते हैं ना, बोट चलाते के लिए हम एक इक्विपमेंट ऐसे हाथ से पीछे की ओर धकेलते हैं पानी को, उसको हम पैडल कहते हैं। ये वही, इसका यूज़ भी वही है, पानी को ये पीछे की ओर करता है और ये आगे की ओर करता है। जब हम स्विम करते हैं पानी में तो हम भी अपने हाथों को पीछे करते हैं ना पानी से, पानी को, ठीक उसी तरह से ये भी जो इनके जो फ्लिपर्स होते हैं उनसे ये पानी को पीछे की ओर धक्का देते हैं और ये आगे बढ़ते हैं, इस तरह से ये स्विम करते हैं। नेक्स्ट आता है फ्रॉग एंड टोज। जो फ्रॉग होते हैं बेटा, इनको हम एम्फीबियंस कहते हैं, और ऐसे एनिमल पानी और लैंड दोनों में एक साथ रह सकते हैं, यानी कि कभी ये पानी में रहते हैं और कभी ये लैंड पर रहते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को हम एम्फीबियंस कहते हैं। चलो अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। फर्स्ट है आपका टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट, ऑर्गेनिजम्स डेट लिव इन वाटर आर कॉल्ड, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो पानी में रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एक्वाटिक। सेकेंड, फिश ब्रीथ थ्रू द एयर, किसके द्वारा वो ब्रीथ करती है? गिल्स। थर्ड, ए वाटर प्लांट अटैच टू द सोइल इज, ऐसा प्लांट जो किस में अटैच होता है? सोइल के साथ। हाइड्रिला तो नहीं ना, वो तो सबमर्ज होता है, टोटली पानी के अंदर होता है। वाटर हाइसिंथ तैरता होता है ना, फ्लोट करता है। एंड वाटर लिली इज, हाँ दिस इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ, फ्रॉग हैज, फ्रॉग के होते हैं फोर स्विम इन वाटर, पानी में तैरने के लिए, गिल, वेब्ड फीट, लेग्स। क्या होते हैं बेटा? वेब्ड फीट होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका फिल इन द ब्लैंक्स का। फर्स्ट, द प्लेस वेयर ए प्लांट और एन एनिमल लिव इन कॉल्ड इट्स हैबिटेट। वेल इज एन एक्वेटिक एनिमल विदाउट गिल्स। बर्ड्स आर नोन एज एरियल ऑर्गेनिजम्स। एंड टर्टल एंड क्रब्स हैव द पेडल लाइक फ्लिपर्स फॉर स्विम। बेटा यहाँ हम ये भी लिख सकते हैं, वेल इज एन एक्वेटिक एनिमल, है ना, पर ये कौन सी है? हाँ मैमल है ना, एक्वेटिक मैमल एनिमल, ये ध्यान रखना। सी, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। नेम टू रूटेड एक्वेटिक प्लांट विथ फ्लोटिंग लीव्स, वल्फिया एंड पिस्टिया। सेकेंड, नेम द ऑर्गेनिजम्स थ्रू विच फ्रॉग ब्रीथ इन वाटर एंड ऑन लैंड। तो इन वाटर क्या करते हैं बेटा? हाँ, मॉइस्चर स्किन हेल्प फ्रॉग टू ब्रीथ इन वाटर। लंग्स हेल्प फ्रॉग टू ब्रीथ ऑन लैंड। तो आज हमने बेटा ये सभी क्वेश्चंस लर्न कर लिए हैं, और आपको, मुझे आशा करती हूँ कि मेरे साथ साथ आपको लर्न भी हो गया होगा, और इसको बेटा चैप्टर को आप ज़रूर एक बार पढ़ेंगे। जय हिंद।